इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी की लखनऊ ब्रांच से, जहां बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर के ग्रोथ रिगार्डिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं कि अगर आप किसी साइट पे एक बिलिंग इंजीनियर हैं, तो किस तरह से आप एक्सीवेटेड मटेरियल को बिल में क्लेम करेंगे। आज मैं आपसे कंप्लीटली इस बारे में बात करने वाला हूं। तो चलता हूं टॉपिक की ओर। आज का मेरा टॉपिक है कैरिज ऑफ मटेरियल, जिसमें हम सीखेंगे कि आपने एक्सीवेशन किया है और एक्सीवेशन के थ्रू जो मटेरियल निकला है उसको ट्रांसपोर्ट करने पे आप किस तरह से उसको चार्ज करेंगे। तो कंप्लीटली आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, CPWD के स्पेसिफिकेशंस और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्सीवेट किए हुए मटेरियल को चार्ज किया जाता है, ये मैं आज कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप मेरे सामने टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में दिया गया है कि किस टाइप के मटेरियल को, जैसे लाइम, मोरम, बिल्डिंग, रबिश, अर्थ, आपको बहुत से टाइप के मटेरियल यहाँ दिए गए हैं और हर मटेरियल को पर किलोमीटर पे यहाँ पे आपका रेट दिया हुआ है। 5 किलोमीटर तक का यहाँ पे रेट दिया हुआ है, फिर 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का रेट दिया हुआ है, फिर 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक का रेट दिया हुआ है। उसके बाद 20 किलोमीटर के बाद आप किस तरह से मटेरियल को, जो एक्सीवेटेड मटेरियल है, उसको आप ट्रांसपोर्ट करने में चार्ज करेंगे, ये पूरा आपको डिटेल इस टेबल में दी गई है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने जो मटेरियल आपके साइड पे एक्सीवेट हुआ है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कितनी लीड है, हो सकता है वो 20 किलोमीटर की हो, वो 80 किलोमीटर की हो, वो 100 किलोमीटर की हो, वो लीड कितनी भी हो सकती है, उसको आप बिल में किस तरह से क्लेम करेंगे, ये कंप्लीटली इस टेबल में दिया हुआ है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं कि किस तरह से आप निकले हुए एक्सीवेटेड मटेरियल को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है लिफ्ट एंड लीड, यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी निकली हुई है, जो क्वांटिटी आपने एक्सीवेट की है, वो 50 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। और आपका जो मटेरियल है, जिस तरह का मटेरियल आपने एक्सीवेट किया हुआ है, वो अर्थ मटेरियल है। यहाँ पे आपको लीड दी गई है, लीड अप टू 5 किलोमीटर, आपने जैसे कि टेबल में देखा 5 किलोमीटर तक का रेट आपको डायरेक्ट दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आपने क्वांटिटी लिखी, आपकी क्वांटिटी है 50 क्यूबिक मीटर और जो आपको रेट दिया हुआ है वो 201.83 आपको रेट दिया हुआ है। तो टोटल जो अमाउंट बनता है आपका, जो आपका दिया हुआ अमाउंट आप देख रहे हैं, ये अमाउंट पूरा बना है आपको 50 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी को 5 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करने में, ये आप चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर को चार्ज करने पे हर एक किलोमीटर पे रेट दिया हुआ है। तो जैसा कि आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको रेस्ट ऑफ 5 किलोमीटर को ट्रांसपोर्ट करने में आपको 50 MQ की क्वांटिटी को एक रेट दिया हुआ है 15.20। आपकी नेक्स्ट 5 किलोमीटर को आप किस तरह से चार्ज करेंगे, जैसे कि याद दिया है 5 × 50 × उसका रेट, तो ये आपका आया है। नेक्स्ट आपका आएगा 10 से 20 किलोमीटर, अगला 10 किलोमीटर को आप ट्रांसपोर्ट करने में किस तरह से चार्ज करेंगे क्वांटिटी को, जो आपने 10 किलोमीटर आपका जो क्वांटिटी है ये दी हुई है और आपका रेट दिया हुआ है, इसके बाद मल्टीप्लाई करने पे ये आपको आया है। फिर लीड बियॉन्ड 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के बाद जितना आपका रेस्ट ऑफ किलोमीटर बचता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में कितना आप चार्ज करेंगे, जैसे कि आप दिया हुआ है 20 किलोमीटर का आप चार्ज ले चुके हैं, टोटल रेस्ट ऑफ किलोमीटर कितना बचा 80 किलोमीटर, 80 × 50 आपकी क्या है क्वांटिटी और ये है आपका रेट। टोटल जब आप करोगे तो आपका ये अमाउंट आया हुआ है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि आप एक्सीवेटेड मटेरियल को किस तरह से चार्ज करेंगे। आप किसी साइट पे साइट इंजीनियर हैं या आप बिलिंग इंजीनियर हैं, तो आपको, या आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे होंगे, तो बिलिंग में हम किस तरह से क्लेम करते हैं एक्सीवेटेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, तो सारा मैं आपको बताया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।